सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि मंगलवार को SC की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। दरअसल 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड और जस्टिस SK कौल, SR भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। आपको बता दें कि दुनिया के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। इनमें 10 देशों में कोर्ट के जरिए फैसला आया है। 23 देश तो ऐसे हैं जहां कानूनी तौर पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिली है। हालांकि इस मामले में केंद्र का तर्क है कि इस बारे में कोई भी कानून बनाने का विषय सरकार का है। सरकार का कहना है कि ये न सिर्फ देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करना होगा और पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। आपको बताते चले कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला दिया था। हालांकि अभी तक समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी दावा नहीं कर सकते। दरअसल IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। वहीं दुनिया को देखा जाए तो 33 देश ऐसे हैं जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई। इनमें करीब 10 देशों की कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी है। इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जहां कानून बनाकर स्वीकृति मिली है। साउथ अफ्रीका और ताइवान के नए कोर्ट के आदेश से इसे वैध बताया है। चलिए जानते हैं कौन से देश में मान्य है और कौन से देश में अपराध है समलैंगिक विवाह। साल 2001 में नीदरलैंड ने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध बनाया, जबकि ताइवान पहला एशियाई देश था। कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जहां सेम सेक्स मैरिज की स्वीकृति नहीं है। इनकी संख्या करीब 64 है। यहां समलैंगिक विवाह को अपराध माना गया है और सजा के तौर पर मृत्युदंड भी शामिल है। बता दें मलेशिया में समलैंगिक विवाह अवैध है। पिछले साल सिंगापुर ने प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था, हालांकि वहां शादियों को मंजूरी नहीं है। जानकारी के मुताबिक जापान समेत 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी अनुमति नहीं देते। चलिए जानते हैं किन देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है। दुनिया के जिन 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई, उनमें क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इक्वेडोरा, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, माल्टा नोवा, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और उरुग्वे का नाम शामिल है। बता दें कि इन देशों में दुनिया की 17% आबादी रहती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 3 देश एंडोरा, क्यूबा और स्लोवेनिया ने इसे पिछले साल ही वैध किया है। आप जानते हैं कि किन 23 देशों में समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी मान्यता है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोरा, मेक्सिको, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, अमेरिका का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर चिली और स्विट्जरलैंड ने स्वीकृति दी है। अब ये जानते हैं कि किन देशों में सेम सेक्स मैरिज अवैध है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मोरिटानिया, ईरान, सोमालिया और उत्तरी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में सेम सेक्स मैरिज को लेकर बेहद सख्ती है। वहां शरिया अदालतों में मौत की सजा तक प्रावधान है। अफ्रीकी देश युगांडा में समलैंगिकों का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक देने का प्रावधान। वहीं 30 अन्य अफ्रीकी देशों में भी समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध है। 21 देश तो ऐसे हैं जहां जेल की सजा का प्रावधान है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग भी की गई थी। इस मामले में मंगलवार को SC कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।